देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू रखने में नाकाम साबित हो रही है और सरकार केवल लोगों को गुमराह करने के लिए प्याज के आयात की बात कर रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि कब लोगों के पास आयात किया हुआ प्याज पहुंचेगा और कब कीमतें कम होंगी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू रखने में नाकाम साबित हो रही है और सरकार केवल लोगों को गुमराह करने के लिए प्याज की आयात की बात कर रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि कब लोगों के पास आयात किया हुआ प्याज पहुंचेगा और कीमतें कम होंगी। अनीता वर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नेता कांग्रेस कार्यकाल के समय में प्याज की मालाएं पहनकर प्रदर्शन करते थे, वे आज सांसद व केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने के बावजूद कीमतों को काबू रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कहना पब्लिक ही स्वयं कहेगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जब प्याज की कीमतें कांग्रेस के समय पर बढ़ी थी तो उस समय बीजेपी के जो नेता थे, जिनमें आज वो मिनिस्टर भी हैं और एमपी भी हैं, कुछ महिलाएं, वो प्याज की मालाएं लेके बैठ जाती थी और कांग्रेस पार्टी को हर शब्द इस्तेमाल किए गए। और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहते थे कि कहां 10 रुपये प्याज को कांग्रेस की सरकार ने किस रेट तक पहुंचा दिया है, जब मैं बनूंगा तब देखना मैं प्याज की कीमत कहां लेके आता। आज वही प्रश्न हम मोदी जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि आज प्याज की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई थी। अब आप कह रहे हो कि हम बाहर से प्याज लेके आएंगे, वो प्याज कब आएगा? तो बेचारे प्याज जो आज 100 की मार्क खा चुका है, उसको खरीदने के लिए लोगों के पास कहाँ से पैसे आएंगे? और बड़ी हैरानी की बात है, कुछ हमें इस अपने ही क्षेत्र से जो एमपी भेजे हैं, वो आज एक मंत्री पद पर बैठे हैं दिल्ली में, और वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप कृपा करके कुछ ऐसा कदम उठाइए ताकि ये जो लोगों में प्याज और दूसरी वस्तुओं के तहत जो एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसको खत्म करें। वहीं बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे, वे आज एफडीआई पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि आज छोटे व्यापारी का व्यापार बंद होने की कगार पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब एफडीआई हिंदुस्तान में लाना था, तो कई बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर 50% एफडीआई आएगी तो हम लोग वॉलमार्ट जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको जला देंगे। लेकिन आज एफडीआई 100% है, उस पर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस एफडीआई के कारण हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनके घर में भी भुखमरी चलने लग पड़ी है। आज नौजवान भी बेरोजगार है, वो भी अहंकार कर रहा है कि भाई मेरी रोजगार कहाँ है, जो इतना कहा गया था कि हम इतने करोड़ रोजगार दे देंगे, देने के बजाय कोई 3 करोड़ से अधिक नौजवान जो है वो आज बेरोजगार हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी आमदनी लोगों के पास है, बाजार खाली है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। करें, महंगाई को रोक लगाएं।